खबर यूपी के जिले अमेठी से है, जहां बुधवार को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा मुसाफिरखाना में बीओबी बैंक का 115वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एक प्राइमरी स्कूल परिसर में बैंक की ओर पौधारोपण किया गया और बैंक द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच कॉपी कलम सहित पठन पाठन के अन्य सामग्री का वितरण भी किया गया। मेहता, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा मुसाफिरखाना ब्रांच, आपके द्वारा पौधे लगाए गए हैं जी, मैं बताना चाहूँगा इस बारे में आपको। आज हमारी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी, जो कि एक बहुत दूरदर्शी सोच रखते थे, उन्होंने आज से 115 साल पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी, जिसमें हम लोग कार्यरत है और हमारी शाखा यहाँ मुसाफिरखाना में स्थित है। और हमारी एज अ कॉरपोरेट हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग आज यहाँ एक प्राइमरी स्कूल का सिलेक्शन किया हम लोगों ने, और इस चयन के तहत हम लोगों ने यहाँ पे एक सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, जिसमें कुछ पौधे हमने लगाए भी हैं। और छोटे बच्चों के लिए, जो कि यहाँ प्राइमरी स्कूल ही है, तो उनके लिए हमने कुछ स्टेशनरी का भी इंतजाम किया था अपनी शाखा की तरफ से, और उनके लिए स्वीट चॉकलेट्स की व्यवस्था हम लोगों ने किया था, ताकि इस उपलक्ष्य पे उनको हम अपनी तरफ से कुछ दे सकें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी, मैं संदेश देना चाहूँगा, आज जो बहुत सारे गार्जियन हैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं, मैं उन सभी से संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को सरकारी स्कूल में ज़रूर भेजिए। और सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे ही आज के डेट में आप देखेंगे इंडिया के अंदर जितने टॉप पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं। तो अपने बच्चे को ज़रूर आप सरकारी स्कूल में भेजें, उनको प्रेरित करें सरकारी स्कूल में पढ़ाई के लिए। और जहाँ तक व्यवस्था की कमी है, तो अपने प्रदेश की जो सरकार है और जो राष्ट्र की सरकार है, वो कार्यरत है इस विषय पे कि हम अपने सरकारी शिक्षा व्यवस्था में और ज़्यादा सुधार ला सकें। तो हम सभी गार्जियन से अपेक्षा करेंगे और उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में भेजिए, उनकी उपस्थिति 100% अनिवार्य बनाइए वहाँ पे। क्योंकि आज भी हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ बच्चे उपस्थित नहीं, हालांकि मैडम काफ़ी सक्रिय हैं, मैं जब से यहाँ पे हूँ मैडम के बारे में देख पा रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने गार्डन को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है और पढ़ाई के प्रति भी मैडम काफ़ी सक्रिय हैं। यहाँ की जितनी शिक्षिकाएँ हैं वो काफ़ी सक्रिय अपनी भूमिका निभा रही हैं, बच्चों को काफ़ी मैं देखा कि प्रेरित कर रही हैं कि आप आइए स्कूल पढ़ने के लिए, हम जितना भी समय है आपको 4 घंटे 6 घंटे का टाइम आपको दे पाएंगे। और सरकार भी अपनी तरफ से व्यवस्थाएं कर ही रही है। पौधे लगाने के साथ साथ आप अभी संरक्षण का भी बात कर रहे थे कि पौधों का संरक्षण भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम, आपने बहुत सही बात कही है कि पौधा लगाना, लोग बहुत सारे देखेंगे अखबार में मीडिया में आने के लिए जगह जगह जाके पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन उनका संरक्षण नहीं हो पाता, जिस कारण हम अगर 10 पौधे भी लगाते हैं तो उसमें से 5 पौधे भी सही से बच नहीं पाते हैं। तो ये पौधा संरक्षण इसलिए ज़रूरी है, आप सभी अवगत है कि देखिए इतनी भीषण गर्मी चल रही है और हमारा ये जुलाई महीने का जो आज 20 तारीख है, फिर भी बारिश का कहीं आसार नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पर्यावरण के साथ बहुत छेड़छाड़ किया है, बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई करी है, जिसकी वजह से ये हाल देखने को मिल रहा है। इतनी भीषण गर्मी हम झेल रहे हैं, बारिश इतना ज़्यादा कम हो गया है, तो ऐसी स्थिति ना हो, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम सब लोगों से निवेदन करेंगे, इस मौसम में बारिश का मौसम जब आपके यहाँ स्टार्ट होता है तो उसमें पौधे आसानी से लग जाते हैं, आप कम से कम 5-5 प्लांट हर आदमी लगाइए। मैं संदेश देना चाहूँगा, स्कूल में हो, आप जहाँ भी हो, अपने घर पे हो, गार्डन में हो, कम से कम 5-5 पौधे हर आदमी लगाए, ताकि हम पर्यावरण का संरक्षण कर सके और एक जो इकोसिस्टम में है उसमें बैलेंस बना सकें।